नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और कोच आनंद। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डील विद हेटर्स। हेटर्स के साथ कैसे डील करें, उन लोगों के साथ कैसे डील करें जो आपको डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं, आपको गालियां देते हैं, आपको कैसे भी आपसे जलते हैं, आपको आपका पैर पकड़ के पीछे खींचना चाहते हैं कि तू आगे कैसे बढ़ रहा है, जलन की भावना रखते हैं, इन लोगों के साथ कैसे डील करें। ठीक है, तो देखिए पहले बात करते हैं हेटर्स कौन होते हैं। देखिए हेटर्स वही होते हैं जो आप यहाँ पे हैं, तो जो यहाँ पे है वो आपका हेटर है। ठीक है, वो हमेशा आपसे आपको हेट करने वाला है विदाउट एनी रीजन। क्यों? क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हेटर्स वही होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे होते हैं, जो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, वो हमेशा आपको दोषी ठहराएंगे कि तू कैसे आगे बढ़ रहा है, तू कैसे आगे जा रहा है, गालियाँ देंगे, कैसे भी करके आपको पीछे अपने लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे। इडियट्स वही होते हैं ना, जो अपने लेवल पे ला के आपको कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके मैं इस इंसान को ना अपने लेवल पे ले आऊँ। उनका जो लेवल है इडियोटिक लेवल पे हमेशा आपको लाने की कोशिश करेंगे, कैसे भी करके इसको यहाँ पे खींच लूँ मैं। बस भगवान से एक दुआ रखिए कि भाई तुम्हें ना भगवान सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, तुम्हारी आयु लंबी हो, जिससे तुम मेरी सक्सेस को देख सको कि मैं कितनी ऊँचाइयों पर जाने वाला हूँ, कितनी ऊँचाई पर पहुँचने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरी औकात ये नहीं है जहाँ पे मैं अभी हूँ, मेरी औकात ये है जहाँ अभी मैं गया नहीं। और भगवान तुम्हें लंबी आयु दे कि तुम देख सको मेरी सक्सेस को, मेरी सफलता को, कि मेरे शिखर को, कि मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ। बस ये रखिए, हेटर्स को अवॉइड कीजिए, निग्लेक्ट कीजिए, इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि हेटर्स के साथ अगर आप लगेंगे तो भैया वो आपको अपने लेवल पर लेके आ जाएंगे कि नहीं तेरी औकात भी यही है जो हमारी औकात है। तो ऐसे लोगों से भैया चार कदम दूर, तू निकल यार भैया, तेरा कोई काम नहीं है, इग्नोर कीजिए, हटाइए, निकलिए। जलते हैं उनकी जलाइए, खूब आगे बढ़िए, खूब प्रोग्रेस कीजिए। बस एक बात रखिए अपने मन में कि यार अभी तुम इतना ही जल रहे हो ना, अभी तुम्हें जलाना ना बाकी है। और मैं ऐसा जलाऊंगा कि जल के तुम राख हो जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी औकात क्या है और तुम किस लेवल के हो। ठीक है, अभी तो तुम कर रहे हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका टाइम आता है। फिर मैं यहाँ पे पहुँच के दिखाऊंगा ना, फिर मेरी औकात पता चलेगी कि मैं कौन हूँ और मेरी औकात क्या है। अभी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे भी आते हैं यार कि तू चूतिया है, तू बेवकूफ़ है, तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये वो अजीब अजीब गाने के सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब आप कहोगे यार मिल जाए तो इसको पेल दो, ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, लेकिन बस हाँ यार, हेटर्स हैं, इग्नोर करो, निग्लेक्ट करो, बस ये रखो कि वो डिजर्व नहीं करते, हमारे लव को डिजर्व नहीं करते, हमारे रेस्पेक्ट को डिजर्व नहीं करते। डिजर्व नहीं करते तो रिप्लाई देने का कोई मतलब नहीं बनता है। आगे बढ़ो, इग्नोर करो, हटाओ, बस ये। बस अपने लाइफ में उन लोगों पे फोकस करो जो आपसे प्यार करते हैं। प्यार करने वाले लोगों की कमी है क्या? बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। देखो अपनी लाइफ में, फाइंड आउट करो, आई लव यू, आई सपोर्ट यू, यार मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ, तू कुछ भी कर सकता है भाई, तू कुछ भी कर सकती है यार, आगे बढ़, कुछ कर। उन लोगों पे विश्वास करो, उन लोगों का साथ लो, उन लोगों का सपोर्ट लो और आगे बढ़ो। एक कनेक्शन बनाओ उनसे कि वो आपके साथ हैं हमेशा, क्योंकि हेटर्स आपके लाइफ में रहेंगे ही रहेंगे, चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पे चले जाओ, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, चाहे अपनी लाइफ में कुछ भी उखाड़ लो, कुछ भी कर लो, कितना फोड़ लो, कितना भी फाड़ लो, कुछ भी कर लो, रहेंगे हेटर तो रहेंगे। क्योंकि ऐसे लोग रहेंगे ही रहेंगे जो जिन्हें कुछ करना पसंद नहीं है, जिन्हें कुछ बनना पसंद नहीं है, जो ऐसे ही अपनी लाइफ ठुल्ले में गुजारना चाहते हैं ठुल्लू बन के, तो भाई वो हेट करेंगे ही करेंगे। उनका अल्टीमेट गोल है हेट करना, दूसरों से घृणा करना, दूसरों को अपने लेवल पे लाना, दूसरों से जलन की भावना रखना, दूसरों को गिराने की कोशिश करना, दूसरों को पैर पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करना, और उनके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। भाई तुम ऐसे हो, तुम ऐसे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसा करो उनके साथ, और अपने लाइफ में फोकस करो उन लोगों के ऊपर जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। उन लोगों की भी कमी नहीं है, वो ज़्यादा है, वो 90 हैं, हेटर्स 5 हैं, वो 95 हैं, ये 5 हैं, कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ो फिर, समझे? हेटर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप भी रहोगे हेटर्स को दिखाने वाले कि कौन बाप है और कौन किसकी औकात क्या है। हेटर्स रहेंगे, बस बोलो डियर हेटर्स आई हैव सो मच फॉर यू, अभी चिंता मत करो, अभी अपनी मत जलाओ, अभी थोड़ा वेट करो, फिर देखो जब मैं यहां पहुंचूंगा ना, फिर अपनी जलाना और अच्छे से जल के राख हो जाना, लंका लगाना अपनी। ठीक है, फिर उन्हें पता चलेगा। तो अभी बस आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करो, हेटर्स वेटर्स को छोड़ो, इग्नोर करो कि तुम भैया निकलो, कटो।
तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम डिजर्व नहीं करते मेरी लाइफ में स्टे करने के लिए, तुम निकल। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। अपनी लाइफ को उन लोगों के लिए मत गुजारिए ना, 10 लोगों के लिए जो आपसे हेट करते हैं, बस आप एक लोगों पे ध्यान दीजिए जो आपसे प्यार करता है, जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपकी रेस्पेक्ट करता है। अपनी जिंदगी हमें 99 लोगों के लिए नहीं गुजारनी है जो हमसे हेट करते हैं, जो हमसे जाके घृणा करते हैं, हम पे कुछ ब्लेम कर देते हैं हमारे ऊपर, उनसे नहीं, उनसे हमें मतलब ही नहीं रखना है। हमें मतलब रखना है बस उस एक आदमी से, बस उस एक आदमी से जो हमसे प्यार करता है, जो हमारी रेस्पेक्ट करता है, जो हमें सपोर्ट करता है, जो हमारे साथ खड़ा है किसी भी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में, किसी भी परिस्थिति में, कि यार मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस इंसान का साथ मत छोड़िए, बस उस इंसान के साथ आगे बढ़िए, कनेक्शन बनाइए, आगे बढ़ते जाइए, फोड़ते जाइए, फाड़ते जाइए, दिखाते जाइए कि तुम हो हेटर, तुम हेटर ही रहोगे, मैं हूँ आगे बढ़ने वाला, मैं आगे बढ़ता ही रहूँगा और तुम देखते ही रहोगे और मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखाता रहूँगा। बस ये रखिए, ठीक है मेरे दोस्त, इतना कीजिए और फिर पता चलेगा, फिर उनकी लंका लगेगी, फिर उन्हें समझ में आएगा कि यार दिस इज हाउ द पीपल विन द मैच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त, गुड लक फॉर एवरीथिंग।